हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 4,313 मुस्लिम बहनें अकेली हज के लिए गईं और सुरक्षित हिंदुस्तान लौटी। जो महिला हक की बात करते हैं महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, महिला हक को संरक्षित करने के लिए जब हमारी सरकार ट्रिपल तलाक के कलंक को मिटाना चाहती थी, तब महिला के हक में नहीं बल्कि वोट बैंक के लालच में इन्होंने सदन की कार्रवाई को त्याग दिया था। आज जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं महोदय, तो ये कहना उचित होगा कि एक तरफ निर्भया फंड की रचना की घोषणा करते हैं 13 में, एक काम निर्भया फंड में नहीं करते, लेकिन जो निर्भया के बलात्कारी हैं उनको कांग्रेस नित अलायंस के लोग बलात्कारी के हाथ में 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन देते हैं। आज हमें इस बात का गौरव है कि देश में 42 प्रोजेक्ट्स 5,000 करोड़ की लगभग लागत से भारत सरकार के सौजन्य से बन रहे हैं। जो महिला सुरक्षा के लिए ये ना कर पाए वो आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत देश के 983 रेलवे स्टेशन पर महिला पैसेंजर्स के लिए 2400 घंटे सुरक्षा का प्रावधान किया गया। आज कोंकण में वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम की विशेष व्यवस्था महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा के लिए की गई। आज चूंकि रेल मंत्री बैठे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, ये सब भारत सरकार के सौजन्य से महिला सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित की। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या सदन में देश को पता चले, लेकिन कहां गए हैं, वहां पर क्या हालात हैं? अध्यक्ष महोदय, गोद भराई के नाम पर राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है, 13 से 20 महीने का गर्भाशय दिखाया जा रहा है राजस्थान में और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं, ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है। लेकिन इन्हें सरोकार इनके नेता को किससे है? चीन से है। तो चूंकि सब चीन में इतनी रुचि लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, इसलिए आज एक सुखद समाचार भी सुनाती हूं। चीन में 31st यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ, 1959 से लेकर आज तक भारत को मात्र 18 पदक मिले, इस बार 26 मेडल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बच्चों ने स्थापित किया। भारत माँ के टुकड़े के लिए तालियां बजाते थे, भारत माँ के बच्चों के लिए तो बजा दो। 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। आज देश के यूनिवर्सिटी के छात्र देखे
कि 31st यूनिवर्सिटी गेम में भारत का नाम रोशन करने वाले छात्रों के लिए मैं गुहार लगा रही हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां अभिनंदन कर दे, लेकिन वो अभिनंदन से भारत के बच्चों को वंचित रखते हैं। बात अभिनंदन की निकली तो एक वो भी थे जिन्होंने आसमान चीरा और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जो व्यक्ति यहां पर भारत की आवाज का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने भारत की आवाज में आवाज मिलाकर तब नहीं बोला जब आतंकी हमला करते हैं, उन्होंने भारत के आवाज से अपनी आवाज को भिन्न करते हुए इस सदन में भारत के रक्षा बलों से प्रमाण मांगा इस सदन में। लेकिन प्रमाण क्यों मांगा? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा होगा, और प्रमाण मांगने का क्या सलीका है? ये मीडिया के मित्रों के माध्यम से आया है ध्यान में देश के। न्यूज क्लिप की आज बात करना थोड़ा मैं जरूरी समझती हूं। न्यूज क्लिप नेवल सिंघम कुछ पत्रकारों को हिंदुस्तान में लिखते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूज सर्कुलेट होनी चाहिए, कैसे चाइना के समर्थन में अलग अलग आर्टिकल लिखने चाहिए, और इसे एक बार छपवा दो तो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन इसको इकट्ठा करके फिर काम आगे बढ़ाएगा। मेरे एक पार्लियामेंट्री सहयोगी निशिकांत जी ने इस पर जब विषय उठाया तो मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस पार्टी ने डिमांड नहीं की कि अगर कोई बाहरी ताकत का पैसा लेकर हिंदुस्तान में व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है, हिंदुस्तान को कलंकित करना चाहता है, तो उस पर कार्रवाई करो। ऐसा कांग्रेस का पक्ष नहीं था। कांग्रेस ने पक्ष ये लिया कि जो निशिकांत दुबे के मुंह से शब्द निकले हैं उनको एक्सपंज कर दीजिए। लेकिन ये जो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन है महोदय जी, जिसके बारे में ना आप ईडी को माने, न्यूयॉर्क टाइम्स को माने, वो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन के जो मुख्य रिसर्चर हैं उनके वक्तव्य को कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल फेसबुक पर क्यों डालती है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। जो जानबूझकर भारत के किसानों के हितों के खिलाफ बोलते हैं उनका वक्तव्य ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन वालों का, जो सीनियर फेलो या रिसर्चर है उसका वक्तव्य कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के फेसबुक पर 19 अप्रैल 2019 को क्यों पब्लिश होता है, ये थोड़ा बहुत शोध का विषय है, ये थोड़ा बहुत चर्चा का विषय है जी। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रस्तावना हुई, मैं तो प्रस्तावना के विरुद्ध खड़ी हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर राष्ट्र के सभी नागरिकों के साथ पुनः विश्वास दर्शाते हुए अपना वक्तव्य देती हूं। लेकिन राहुल जी ने किस पर विश्वास जताया? राहुल जी ने विश्वास जताया मुस्लिम लीग पर, कहा सेक्युलर पार्टी है। शायद राहुल जी ने ना पढ़ा हो कि 80 के दशक में मुरादाबाद में 83 लोगों को मारने वाली मुस्लिम लीग, राहुल जी को बताना पड़ेगा सेक्युलर कैसे हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।